रसोई से मैं आपका स्वागत है। आज हम ऑयल फ्री सब्जी बनाएंगे, मेथी की सब्जी। ट्रेडिशनल तरीके से सीखेंगे जो बहुत ही हेल्दी होती है, सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो आइए मेथी की सब्जी बनाना सीखें। विदाउट ऑयल कुकिंग रेसिपी में हम सबसे पहले हरी मेथी बनाने वाले हैं। इस मेथी को हमने आधा किलो मेथी है ये, इसको साफ़ करके हमने धो दिया है अच्छे पानी में, गहरे पानी में, और छलनी में सुखा लिया इसको। मेथी बनाने के लिए हम देख लेते हैं हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। आधा किलो मेथी है तो हमने 1/4 कप मूंग की दाल ले ली है छिलके वाली, इसको हम धो करके 10 से 15 मिनट भिगो देंगे। स्वादानुसार हरी मिर्ची ले लेंगे, थोड़ी सी साबुत मिर्ची ले लेंगे, इनको हम बारीक काट लेंगे, हरी मिर्ची को भी हम काट लेंगे, और लहसुन है थोड़ी सी, लहसुन भी ऑप्शनल है, अगर आप बिना लहसुन के बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, और स्वादानुसार नमक। मेथी को हम अच्छे से बारीक बारीक काट लेंगे। गैस पर हमने अपना सब्जी बनाने का पात्र चढ़ा दिया है, इसमें हम आधा किलो मेथी है तो 1 लीटर पानी हम इसमें डालेंगे और इसमें उबाला आने देंगे। पानी में हमारे उबाला आ गया है, अब इसमें हम मूंग की दाल डाल देंगे। दाल के बाद हम कटी हुई मेथी भी डाल देंगे। मेथी हमने डाल दी है, अब इसमें हम कटी हुई लाल मिर्च साबुत, अगर नहीं हो तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे, और इसको एक बार मिक्स करके इसको बिल्कुल कम आंच पर दाल के गलने तक और मेथी के गलने तक पका लेंगे। हमारी दाल और मेथी अच्छी तरीके से गल गई है, थोड़ी देर और पकाएंगे इसको। दाल को पूरी तरीके से गलने देंगे, और पत्ते जो होते हैं मेथी के ये भी थोड़े कड़क होते हैं, और जैसे जैसे ये पकेगी वैसे वैसे थोड़ा सा कलर चेंज होगा। जैसे पहले बिल्कुल डार्क ग्रीन लग रहा था, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, और ऐसे जब पक जाएगी तो थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, ये इसकी पहचान है। अब इसमें हम लहसुन डाल देते हैं, और लहसुन भी पूरी तरीके से गल जाए तब तक इसको पकाएंगे। तो लहसुन के साथ ही ये मेथी और दाल भी अच्छी तरीके से हो जाएगी, तब तक सब्जी हमारी अच्छी तरीके से पक गई है, काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। अब हम अपना गैस बंद कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। मेथी की सब्जी हमने हरी मिर्ची और सेवड़े और हल्के फुलके बनाने हैं, पतले फुलके, और इस पर आप चाहें फुलकों पर तो बहुत सारा घी डाल करके आप इस तरीके से सर्व करेंगे और खाएंगे। गरम गरम फुलके को जब इस सब्जी में चूर करके खाते हैं तो उसका अलग ही मज़ा आता है, और इसके ऊपर आप चाहें तो घी सर्व करके सब्जी में दे सकते हैं। मूली हो तो मूली भी इसके साथ सलाद में खाई जाती है। आप इस तरीके से ये रेसिपी बना करके ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।